आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद खास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। वैसे अक्सर हमने और आपने भी नाजरीन कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब हम सुबह में उठते हैं तो अक्सर हमारे जिस्म के किसी हिस्से में जो है बेहद शदीद दर्द महसूस होता है। ये सोने की वजह से, यानी कि हम गलत पोस्चर में सो गए हैं, तो शायद इसलिए हमारी कमर अकड़ जाती है, या हमारी कलाई में ये दर्द होता है, या फिर गर्दन में। लेकिन कभी कभी एक और हिस्सा है जहाँ शदीद दर्द होता है, और ये दर्द जब अपनी हदें पार करता है तो हमारे जो रोज़मर्रा के काम है ना, वो भी मुहाल हो जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिप पेन की। अब ज़रा देखिए कि हम हिप पेन को लेते कैसे हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ ज़्यादा ही थक गए हैं, इसलिए हमारे हिप में पेन है, या फिर हमारी कमर में दर्द है और वो जो दर्द है वो हिप तक जा रहा है, जबकि यही जो है गलत है। और कहीं ना कहीं अपनी सेहत को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं और इस पर चूक रहे हैं। ख़ास तौर से जो बुज़ुर्ग हजरात हैं, अगर इसे नज़रअंदाज करते हैं तो इनके लिए ये परेशानी मज़ीद और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हिप पेन की, ये क्या होता है, क्या वजूहात हैं इसकी, और कैसे इसका जो इलाज है वो पॉसिबल है, सर्जरीज जो है उनकी क्या इम्कानात है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और साथ ही जो रिप्लेसमेंट यानी हिप रिप्लेसमेंट जो होते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। और इसके लिए आज स्टूडियो में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर्स का एक खास पैनल। इससे पहले कि हम उनसे मुतवज्जो हों, आपका तारुफ उनसे करवाएं, हम आपको बता दें कि अगर भी आप इस परेशानी से दो चार हो रहे हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे लाइव जुड़ सकते हैं, हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। इसके लिए आपको उठाना है अपना फ़ोन और कॉल करना है हमारे टोल फ्री नंबर पर जो हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। नाज़रीन, कुदरत ने हमारे जिस्म में मुख्तलिफ अहम आज़ा के साथ साथ मजबूत हड्डियाँ और जोड़ भी अदा किए हैं, जिनकी बदौलत हम जिस्मानी मेहनत के काम बआसानी अंजाम दे पाते हैं। जिस्म की इन्हीं हड्डियों और जोड़ों में जरा सी भी परेशानी या दर्द रोजमर्रा के हमारे कामों में रुकावट बनता है, और साथ ही हमें तकलीफ भी महसूस होती है। हमारे जिस्म में कूल्हे की हड्डी या जोड़ इंतहाई अहम हिस्सा है, और कई लोगों को इसमें अक्सर दर्द की शिकायत हो जाया करती है। हिप पेन दरअसल वो दर्द, बेआरामी या तकलीफ है जो हम कूल्हे के जोड़ या उसके आसपास महसूस करते हैं। कूल्हे के जोड़ से हमारी थाई बोन पेल्विस से जुड़ती है। हिप जॉइंट हमारे जिस्म में सबसे बड़े जोड़ में से एक है, और हम इसे चलने फिरने, अपने वजन को सपोर्ट करने और अपना तवाजुन बरकरार रखने के लिए मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। कूल्हे का दर्द आर्जी यानी कभी कभी होने वाला, कुछ वक्त के लिए और ज्यादा शदीद हो सकता है। जिस जगह दर्द महसूस होता है उसका इनसार इस बात पर होता है कि कूल्हे की हड्डी का कौन सा हिस्सा मुतासिर है। इस तरह का दर्द कूल्हे के जोड़ से ऊपर या उसके इर्द गिर्द हो सकता है। ये ज्यादातर मसल्स या लिगामेंट्स में किसी मसले की वजह से होता है। कूल्हे का दर्द कूल्हे के जोड़ के काफी अंदर से भी महसूस होता है, जैसे ये दर्द हड्डी या कार्टिलेज से हो रहा हो। कूल्हे का दर्द कमर के निचले हिस्से तक भी जाता है। कुछ मामलात में कूल्हे का दर्द आता जाता भी रहता है, यानी चलते या हिलते ढुलते वक्त ये दर्द महसूस होता है, लेकिन जब हम आराम की हालत में होते हैं तो ये ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को ये दर्द दिन में अलग अलग वक्त में भी हो सकता है। सुबह उठकर ये दर्द ज्यादा हो सकता है, या रात को सोते वक्त और शदीद हो सकता है। कूल्हे की हड्डी या जोड़ के दर्द को कुछ वक्त के लिए आराम करके ठीक किया जा सकता है, और दर्द खत्म करने के लिए दवा भी ली जा सकती है। लेकिन अगर ये दर्द कुछ दिनों के बाद भी महसूस हो और रोजाना के कामकाज में दुश्वारी का सामना होने लगे तो माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कूल्हे में दर्द की कई वजूहात हो सकती हैं। इनमें आर्थराइटिस, चोट, सूजन और जोड़ की बनावट के मामलात हो सकते हैं। वो खिलाड़ी या फनकार जो अपनी हड्डियों या जोड़ों को सभी तरह से घुमा सकते हैं, जैसे जिमनास्ट और डांसर्स, इन्हें भी कूल्हे के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कूल्हे की हड्डी या जोड़ में दर्द का इलाज इस बात पर मुनहसर करता है कि ये किस वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो माहिर डॉक्टर से मशवरा करें, जिस्मानी सरगर्मियों को कम से कम कर दें, यानी आराम करें ताकि और नुकसान न हो। दर्द की जगह पर बर्फ की सिकाई भी की जा सकती है।
फिजियोथेरेपी भी दर्द में आराम पहुंचा सकती है, डॉक्टर के मशवरे से दवा भी ली जा सकती है। अगर इन सब तदाबीर से दर्द में कमी या आराम महसूस नहीं होता है तो फिर हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के मुतबादिल पर गौर किया जा सकता है। सर्जरी के जरिए जोड़ में खराबी को दूर किया जा सकता है और आज के जदीद दौर में ये काम काफी महारत के साथ किया जाता है। लेकिन ये रिप्लेसमेंट सर्जरी फ्रैक्चर या जोड़ की बनावट में कमी या किसी बड़ी चोट की सूरत में ही तजवीज की जाती है। इसके अलावा कूल्हे के दर्द से बचने के लिए एक्टिव तर्ज जिंदगी अपनाएं, वजन पर कंट्रोल रखें, हल्की वर्जिश करें और सेहतमंद खुराक इस्तेमाल करें। बुजुर्ग हजरात को इस मामले में ज्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि उनको हड्डियों और जोड़ों के मसाइल का ज्यादा सामना होता है। वैसे तो एक खास उम्र के बाद सभी की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, इसीलिए सभी ऐसी किसी भी सूरत हाल से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। तो नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है इससे ये वाज़े होता है कि किस कदर जो है ये जो हिप पेन है इसकी वजह से हमारी ज़िंदगी वो मुतासर हो सकती है। वैसे भी अगर हम देखें तो जो ये हमारा जिस्म है इसका जो ताना बाना है ये टिका हुआ है हमारे जॉइंट्स पर और हमारी हड्डियों पर, तो इनका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इसी मौजू पर मज़ीद जानकारी हासिल करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, रुख करते हैं उनका और करवाते हैं आपका उनसे तारुफ। जी हाँ नाज़रीन, आज की इस ख़ास पेशकश में हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीएस यादव जो कि सीनियर हिप एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, सभी लोग उन्हें जानते हैं, बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड में, उन्होंने बहुत सारी ऐसी सर्जरी की हैं जो वाकई काबिल तारीफ है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर विवेक शंकर जो कि एडिशनल प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक एम्स नई दिल्ली में। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष जयमान जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सफदरजंग हॉस्पिटल नई दिल्ली में। आप तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। थैंक यू फरहान। डॉक्टर सीएस यादव, पहला क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा, आप एक सीनियर जॉइंट सर्जन भी हैं, आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं, जो नए सर्जन आ रहे हैं वो आपको अपनी इंस्पिरेशन समझते हैं एक तरह से, तो मैं यहाँ पर ये जो बात हो रही है कूल्हे की हड्डी का जो दर्द है उसकी बात हो रही है, कूल्हे की हड्डी का दर्द इतना बढ़ता क्यों जा रहा है डॉक्टर साहब? ये पहले 20 साल पहले हम जाएं तो ऐसा लगता था कि बहुत कम देखने को मिलता था, और जो देखने को मिलता था तो वो एक एज पर देखने को मिलता था, लेकिन आज जो कि 20 साल का है, 25 साल का है, कॉलेज गोइंग बॉय है, वो भी कह रहा है कि मेरे यहाँ पर कूल्हे के पास दर्द रहता है, इसकी क्या वजह है? बहुत ही अच्छा सवाल किया है। देखिए, कूल्हे का दर्द बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उसका कारण बताऊंगा क्यों बड़ा है। लेकिन कई बार कूल्हे का दर्द जो कूल्हे का इलाका है ये है ना जी जी, तो इसमें और कूल्हे के अलावा और बहुत सारे दर्द भी होते हैं जी जी जी, और उसमें कई बार डॉक्टर विवेक स्पाइन एक्सपर्ट हैं ये बताएंगे, स्पाइन का दर्द भी कूल्हे के रीजन में आ जाता है। ओके ओके। और दूसरा कई बार हर्निया का दर्द भी होता है, वो ऐसे लगता है जैसे कूल्हे का दर्द है। ओके। ये तीन चार ऐसे सेगमेंट है जी जी, उनको रूल आउट कर लेना चाहिए जी। और टिपिकल कूल्हे का दर्द होता है वो क्लियर कट उससे पता चल जाता है, यहाँ ग्रोइन जो राग होती है अगर इसमें दर्द हो रहा है ओके ओके, और अगर आप कूल्हे को थोड़ा घुमा के देखो लगता है ये चाल कम है जी, तो लगभग ये कूल्हे की वजह से ही हो रहा है ओके, या कूल्हे के आसपास कई बार मांसपेशियों की वजह से भी होता है जी जी। जहां तक बढ़ने का सवाल है कि क्यों बढ़ रहे हैं जी जी, एक तो सबसे ज्यादा जो एकदम स्पर्ट हुआ है कूल्हे की प्रॉब्लम का वो कोविड के बाद से, कोविड के बाद से है, और उसके और भी उसके बाद एक रीजन और है जो मैं फील करता हूँ कोविड के बाद से। स्टेरॉइड एक ऐसी दवाई है, वो क्लियर कट ये हमारा एक्सपीरियंस है, लिटरेचर में लिखा हुआ है जी जी डॉक्टर साहब। स्टेरॉइड मजबूरी में जाती है वो कूल्हा खराब कर देती है काफी बड़ी पॉपुलेशन में। दूसरा कोविड इटसेल्फ ब्लड को पूरा थिक कर देता है, गड़बड़ कर देता है जब आपको कोविड बीमारी होती है जी जी, तो उससे कोविड के बाद से कई गुना ज्यादा कूल्हे की प्रॉब्लम पेशेंट आने लगे हैं जी जी। और एक और रीजन, यंग लोग आजकल अपनी बॉडी बिल्डिंग के लिए काफी, ये बड़ा रीजन है देखा जा रहा है, तो वो बॉडी बिल्डिंग जो कई बार सबस्टेंस ऐसे होते हैं उन बेचारों को पता नहीं होती है, वो खतरनाक होते हैं जी, वो कूल्हा खत्म कर सकते हैं, वो आपके गुर्दे खत्म कर सकते हैं जी। ये ऐसे रीजन है। और तीसरा ये है कि भाई
आजकल जल्दी से पता भी चल जाता है, हमारे जी पास इन्वेस्टिगेशंस है, जी तो ये सारे रीजन और ये सारे कारण है। डॉक्टर साहब, आपने इन्वेस्टिगेशंस की यहाँ पर बात की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर आपने रोशनी डाली है। यहाँ पर बहुत सी बार ऐसा होता है किसी के कूल्हे में दर्द हो रहा है, इस हिस्से में दर्द होता है जहां पर आपने हाथ रखकर भी बताया है, लेकिन वो नजरअंदाज करते रहते हैं, एक लंबे तवील अरसे तक वो नहीं दिखाते डॉक्टर को, वो सोचते हैं ऐसे ही हो गया, लाइफ स्टाइल खराब है। लेकिन आप डॉक्टर साहब हमारे प्रोग्राम देखने वालों को ये बताइए कि ये इन्वेस्टिगेशन या जो जाँच की आपने बात की है, इसकी कितनी अहमियत है, और इसको अगर सही वक्त पर पहचान लिया जाए, देख लिया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, उसका कितना इलाज पॉसिबल है, हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर यादव मेरे से ही है। जी डॉक्टर साहब, हाँ, सवाल देखिए, अगर कूले कई बार क्या होता है, कोई सीरियस चीज नहीं होती 80-90% टाइम, जी जी है ना, तो सीरियस चीज नहीं है। और जी हम लोगों को कई बार हम लोग डॉक्टर लोग भी डरा देते हैं, डराना नहीं चाहिए, ओके, लेकिन 10% केसेस में जी जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं, रियल सीरियस प्रॉब्लम होती है। जी अगर कोई भी दर्द आपका टाइम के हिसाब से बढ़ता चला जा रहा है, okay, और आपका चाल बिगड़ती चली जा रही है, okay, और okay, आपके मूवमेंट खत्म होते चले जा जी, रहे जी, 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 और उस इलाके में दर्द के अलावा सूजन बहुत इम्पोर्टेंट, सूजन जी, 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 सूजन आने लगी है और आपका वेट लॉस होने लगा है, okay, okay, फिर okay, उसके बाद अगर ये हो रहा है तो फिर उसको सीरियसली लेना चाहिए। मान लो कभी कहीं कुछ कूले के आसपास दर्द जी, हुआ, ठीक जी, हो गया, पता लगा आपने एक्सरसाइज की, उसके बाद ठीक हो गया जी, तो ये दर्द सीरियस नहीं होता, सीरियस नहीं होता, ओके। और ये वाले दर्द एक्सरसाइज के बाद बढ़ते भी हैं, जो स्ट्रक्चरल डैमेज के दर्द जिसे कहते हैं, जी जी, वास्तव में कोई बीमारी पनप रही है, वो दर्द बढ़ते हैं विद द टाइम, और एक्सरसाइज से बढ़ते हैं, ओके। एक्सरसाइज से कोई दर्द ठीक हो जाए इसका मतलब वो ज्यादा सीरियस नहीं, ओके ओके। समरीन कितनी अच्छी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब ने, कि अगर वर्म आ रही है जैसे, या आपकी चाल बिगड़ रही है, या क्या कुछ और चीजें बताई हैं, वो सूजन हाँ तो बताई है, ये चीजें हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। जी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर सी एस यादव, आपने बताया कि बॉडी बिल्डिंग के तहत भी कई बार ऐसा होता है और गलत एक्सरसाइज के तहत भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर विवेक, आपकी तरफ आना चाहेंगे और आपसे पूछेंगे कि कई बार हम क्या करते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी में बेशुमार काम अंजाम देते हैं जिसमें कि गलत तरीके से उठना बैठना सोना भी करते हैं, तो क्या गलत पोस्चर्स भी हिप पेन के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं? गलत पोस्चर किसी भी पेन के लिए जिम्मेदार हो सकता है, सिर्फ हिप पेन नहीं, स्पाइन में भी पेन हो, कमर के ऊपर की जो हड्डी होती है वहाँ में पेन स्टार्ट हो जाता है गलत पोस्चर, अगर लंबे समय तक गलत पोस्चर में बैठें या गलत पोस्चर में, आजकल जो नया जनरेशन है खास करके स्कूल बच्चों में भी देखा जा रहा है कि वो आजकल कोविड के बाद में वो लैपटॉप डेस्कटॉप और टैबलेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं, गलत पोस्चर में बैठते हैं, उसके कारण स्पाइन में भी प्रॉब्लम हो जाता है, उसके कारण भी दर्द हो जाता है, और वो प्रेजेंट करता है, ऐसा लगता है कि वो कमर के नीचे कूल्हे में ही दर्द हो रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण, जिसको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी हो जाता है कि वो कमर का दर्द हो रहा है या जो जो कूल्हे का दर्द हो रहा है, और उसका डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर ये होता है, उसको अलग से कैसे जान सकते हैं, वो इसके लिए कि अगर वो चलने में परेशानी हो रही है, खिंचाव आ रहा है पैरों में, चलने में खिंचाव आ रहा है पैरों में, ऐसा लग रहा है कुछ पैरों में नसें खिंच रही हैं, झंझनाहट हो रहा है, चीटियां चल रही हैं पैरों में, कहीं सुनपन आ रहा है, अंगूठे में जो पैर का अंगूठा है उसको उठाने में दिक्कत हो रही है, तो ये सब परेशानी तो दिखाती है कि वो स्पाइन का प्रॉब्लम है कूल्हे के प्रॉब्लम से ज़्यादा। और पोस्चर ऑफकोर्स मेंटेन करना चाहिए। दूसरा अमूमन देखा गया है कि लोग बहुत बड़ा वॉलेट जिसको हम पर्स करते हैं, जो मेल्स यूज़ करते हैं, वो अपने पीछे रखते हैं और वो बैठते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, वो मोटा जो पर्स होता है वो बैठने के समय वो टिल्ट हो जाता है और वो मांसपेशियों में वहाँ दबाव डालता है, वहाँ पर एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं साइटिक नर्व, उसका दबाव ज़्यादा दिन तक होने के कारण भी कूल्हे में दर्द, पैरों में खिंचाव आने का डर रहता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना चाहिए। गलत पोस्चर आपका जो सवाल है बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि गलत पोस्चर से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। बिल्कुल, गलत पोस्चर से बहुत सारी परेशानियां पेश आ सकती हैं। बहुत अच्छी आपने बात कही है। और यही एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनका सवाल। हेलो हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए आप कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएं। जी आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी जी, वो कुछ तकनीकी हमारी परेशानी चल रही थी तो हम आपसे जुड़ नहीं पा रहे थे।
जी 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 चले आप अपना सवाल पूछना चाहता हूँ आपके डॉक्टर्स की टीम में कि कूल्हे का जो दर्द है अक्सर ये फीमेल्स में देखा गया है, महिला को ज्यादा बोलते हुए सुना गया है कि मेरे को कूल्हे का दर्द हो रहा है, कूल्हे का दर्द हो रहा है, तो मेल्स में जनरली ये कम सुनने में आता है, तो एक तो इसका क्या कारण है, दूसरा ये बताइए कि जो मोटापा है उसमें कितना उसका कारण है, कूल्हे के दर्द का कारण मोटापा होता है क्या, और जो वजन होते हैं और डांसर उसमें कूल्हे के दर्द हो सकता है क्या, या कूल्हे की प्रॉब्लम हो सकती है क्या। जी बहुत अच्छा सवाल है इनका और हम चाहेंगे कि डॉक्टर यादव आप इसका जवाब दें। पहला क्या है उन्होंने क्वेश्चन, एक तो महिलाओं यानी खवातीन में ज्यादा ये शिकायत देखने को मिलती है हिप पेन की, और एक वजन की इन्होंने बात कही कि जब ज्यादा वजन अगर बढ़ जाता है किसी का तो ये पेन मजीद और बढ़ने लगता है हिप पेन में, तो इसके लिए संभावना बिल्कुल सारे जो है नी एंड हिप की प्रॉब्लम खासकर नी की फीमेल में ज्यादा होती है। जो हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं, हमने ये देखा है अपना डाटा, एम्स का डाटा उठा के और भी ये जो इंटरनेशनल डाटा है उसमें 70% जो है जॉइंट औरतों के बदले जाते हैं। उस 70% में अगर फर्दर उन औरतों को देखो तो वो हाउसवाइफ्स होती है जो एक्टिविटी नहीं करती है, और उसका सबसे बड़ा रीजन जो अगर एक घंटा अपने शरीर को नहीं देखा उसके जॉइंट परेशान करेंगे और खराब भी हो जाएंगे। इनएक्टिविटी और थोड़े से हार्मोनल रीजन भी हो सकते हैं, और लेकिन मेन सबसे बड़ा रीजन हमारी हिंदुस्तानी जो महिलाएं हैं कम एक्टिव रहती हैं, कम एक्सरसाइज करती हैं, और वेट बढ़ने से डेफिनेटली आप हर बीमारी को इनवाइट करते हैं। खाली कूल्हे की प्रॉब्लम नहीं, घुटने भी ये क्लियर कट है जिसपे कोई बहस नहीं होती। कई बार इन चीजों पर बहस होती है, भाई दौड़ने से घुटने खराब होंगे नहीं होंगे, उस पे कुछ लोग कहते हैं नहीं होंगे, लेकिन इस चीज पे कोई बहस नहीं करता। अगर आपका वेट ज्यादा है तो जॉइंट खराब होंगे कि नहीं, दर्द होगा पक्का होगा, है ना। तो वेट डेफिनेटली, और सारी बीमारियां होती है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, तो वेट डेफिनेटली एक ड्रॉबैक है जी, काफी अमराज को दावत देता है अगर आपका वजन ज्यादा है। और इसी के साथ आपको भी आपका जो सवाल था उसका जवाब मिल गया होगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर आशीष आपकी तरफ आएंगे हम। डांसर के बारे में पूछ रहे हैं, वजन डांसर में थोड़ी सी, क्योंकि स्ट्रेसेस ज्यादा होते हैं जॉइंट्स के ऊपर हो सकती है, लेकिन इसका ये मत सोचिए कि आप हर एक डांसर के लिए हम गलत मैसेज दें, जो आपका शौक है पालते रहिए, इट इज वेरी रेयर। तो बहुत रेयर चीजों के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। गुड गुड गुड। डॉक्टर आशीष आपकी तरफ आना चाहूंगा। यहाँ पर कूल्हे की हड्डी की बात हो रही है, उसके दर्द की बात हो रही है, हम देखते हैं कि जवानों में ये प्रॉब्लम है, एक बूढ़ों में ये प्रॉब्लम है, तो जवानों की और बूढ़ों की प्रॉब्लम में फर्क क्या है, तो ये मैं जानना चाहूंगा, और दूसरा उनके इलाज जो किया जाता है उसमें कितना फर्क है, और कितना लंबा इलाज बूढ़ों का चलता है, और कितनी जल्दी जो जवान लोग हैं वो रिकवर हो जाते हैं इस प्रॉब्लम से। ठीक है, अब हम बात करें जवानी का मतलब अराउंड 40, लेस देन 40 ईयर्स। जी जी डॉक्टर साहब, तो उस उम्र में जो कूल्हे का दर्द का कारण होता है वो यादव सर ने बहुत अच्छे से बताया जी, कि वो जो बच्चे जिम जाते वक्त गलत दवाइयों का इस्तेमाल कर लेते हैं, पाउडर वगैरह, कूल्हे की हड्डी में खून का दौरा कम हो जाता है, ओके, जिसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं जी जी, और जिसके कारण हिप में पेन होता है, ओके, ये जवानों में दर्द होने का एक कारण है। ठीक है, दूसरा कारण स्टेरॉइड और कोविड का कॉम्बिनेशन, ओके, जिसने भी जवानों में हिप पेन को बढ़ा दिया है। जी जी जी। और तीसरी चीज एक जिसे हम बोलते हैं कि एनाटॉमी में जी, जैसे कूल्हे का जोड़ ऐसा होता है कि एक कप के अंदर एक बॉल घूमती है। जी जी जी। जब कप टाइट हो जाए जी, या बॉल मोटी हो जाए, ओके ओके, तो उस केस में भी कूल्हे का दर्द होता है। ओके, अपने यहाँ पर अपने देश में इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, ओके, पर यह भी एक समस्या है। ओके, तो ये तो हुआ जवानों में दर्द, जवानों की बात हो गई यहाँ पर। बुजुर्गों में कुछ हद तक जो हड्डियां कमजोर होना, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ओके, वो भी हिप पेन की तरह प्रेजेंट करता है। जी जी। किसी को थायराइड की तकलीफ होती है तो उनका गेट, जो वेडलिंग गेट होता है, जो डक टाइप गेट होता है, ओके ओके, वो भी हिप पेन की तरह प्रेजेंट करता है। और अगर वेट, किसी की हैबिट में स्क्वेटिंग बचपन से थी ही नहीं, जी जी, क्रॉस लेग सिटिंग बचपन से थी ही नहीं, जी जी, तो उनको हिप की अर्थराइटिस भी होती है, ओके, ये भी एक कारण होता है, ओके ओके, हिप पेन इन एल्डरली प्रेजेंट करने का जी, तो ये
तीन जवानों में और तीन बुजुर्गों में कारण होते हैं। तो एडवाइस क्या रहेगी आपकी, किस तरह से, जैसे मैंने इलाज की भी यहाँ पर बात की है, ट्रीटमेंट किस तरह से होना चाहिए जवानों का या बुजुर्गों की बात की जाए तो? ठीक है, तो हम एक एक डिजीज का एक एक करके करते हैं। पहला जो कॉमनली दिखता है कि जो जवान लड़के रीजन क्या है दवाई लेके जो एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि वो टाइमली डिटेक्ट ओके टाइमली डिटेक्ट करने पे सर्जरी की जो मैग्नीट्यूड है जी वो काफी कम हो जाता है okay. और हमें काफी साल मिल जाते हैं जिसमें कि हम बड़ी सर्जरी को अवॉइड कर सकते हैं okay. ऐसे केस में जो लड़के जिन्हें पता है कि हम बॉडी बिल्डिंग की दवाई ले रहे हैं जी, या हमने कभी वजन बढ़ाने की दवाई ली है जी, और उनको हिप पेन हो रहा है तो उनको जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, उसमें उनको डिले नहीं करना जी। नंबर कुछ सी एस यादव जी आप बताना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे कि बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो पाउडर लेते हैं, जो गलत तरीके से चीजें करते हैं, जल्दी वजन बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप को जल्दी बनाना चाहते हैं बॉडी बिल्डिंग में, तो ऐसा क्या कहना चाहेंगे उनको, किस तरह से उन्हें करना चाहिए? ऐसा है, ये जिससे पाउडर से बनाते हैं बाद में वो खत्म हो जाती है बंद करते ही, ओके ओके, और रियली डेंजरस चीज है। आप अपना नेचुरल जो प्रोटीन है ओके एक्सरसाइज करिए, मैं भी करता हूँ और सबको करनी चाहिए। एक ही चीज ऐसी है जो सबसे बड़ी अच्छी नेचुरल मेडिसिन है, वो एक्सरसाइज है, जो हर डॉक्टर से दूर रहती है, हर बीमारी से, ऑर्थोपेडिक्स की बीमारियों से दूर नहीं रखती, हर बीमारी से दूर आपको रखती है, सबको करनी चाहिए। लेकिन आप उन दवाइयों की बजाय आप नेचुरल प्रोटीन लें। हमारे हिंदुस्तानी डाइट में नेचुरल प्रोटीन थोड़ी सी कम होती है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होती है जी। तो आप एग लें, चिकन लें या दालें लें जी, है ना, बजाय ये पाउडर इस टाइप की चीजों के जी। और एक्सरसाइज खूब करें जितना आपका बॉडी परमिट करता है। देखिए कुदरत ने हमें कितनी चीज़ों से नवाजा है जो हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिसमें एग है, जिसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीज़ों का नाम लिया है, फिर हम क्यों पाउडर की तरफ जाएं, फिर हम क्यों ऐसी चीज़ों को अपनाएं जिससे हमारी सेहत ख़राब और आगे ज़िंदगी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाए। तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर एक फ़ोन है समीर जी, जी जी हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना नाम बताइए। कश्मीर से जी बोल रहा हूँ जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। सवाल ये कि जब मेरे को L1 सर्जरी जी आज से लगभग 20-22 साल पहले की है अमृतसर जी, तो आज जब सुबह सवेरे उठता हूँ थोड़ी थकान लगती है, तो मैं थोड़ी मतलब फिर रुकना पड़ता है, पेन नहीं होती है, थोड़ी थकावट ही लगती है, फिर आराम से लेता हूँ, दिन भर नहीं पेन कुछ भी नहीं रहती है जी। आपको सवाल थोड़ा सा क्लियर नहीं, आपका सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है, आप थोड़ा शॉर्ट में जरा सफाई से बोले। 3-4 सफाई से बोलूंगा सर, सर्जरी की है 20-22 साल पहले, सर्जरी हुई है 20-22 साल पहले जी। किसकी हुई है सर्जरी, कहाँ की हुई है आपकी सर्जरी? हिप की, कमर में, कमर की जी कमर में जी, L4-S1 की सर्जरी की है जी। अब थोड़ी थकान लग रही है, थकान लगने लगी है जी। आपने डॉक्टर को दिखाया है आपने? हाँ डॉक्टर को दिखाया, सुबह थकावट से कैसे उठ नहीं सकता है आदमी, दिन भर चल सकता है, खाना वाना सब कुछ खा सकता हूँ। अच्छा तो डॉक्टर विवेक शंकर आपने इनका सवाल सुना, हाँ, क्या एडवाइस करेंगे इनको? इनकी 20-22 साल पहले सर्जरी हो चुकी है और 20-22 साल तक वो ठीक रहे, लेकिन अभी कुछ दिनों से ये जैसा बता रहे हैं कि इनको फिर से परेशानी आ रही है, थकान लगती है। थकान का कई कारण हो सकता है, इनकी उम्र बढ़ने के साथ में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्पाइन का क्योंकि सर्जरी हो चुका है तो स्पाइन की कोई और परेशानी ना हो उसको रूल आउट करना चाहिए और उसका एक्सरे और MRI होना चाहिए। कई बार ऑपरेशन करने के कई सालों बाद में जो लेवल फ्यूज हो जाता है उसके ऊपर का लेवल या उसके नीचे का लेवल में डिजनरेटिव चेंजेस ज़्यादा होता है, उस पर खराबी थोड़ी ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो उसमें वो देखना ज़रूरी होता है कि कहीं उसके ऊपर या उसके नीचे में कोई और खराबी तो नहीं हो रही है, या उसी लेवल पर जिस लेवल पर सर्जरी हुई है वहाँ पर रिकरेंट कोई डिस्क या कोई PIVD नहीं हो गया हो, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और कुछ इन्वेस्टिगेशन जो ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है जैसे एक्सरे और MRI वो ज़रूर कराएं, ताकि ये पता चले कि ये थकान या जो परेशानी हो रही है, आप चल नहीं पा रहे, वो किस कारण से हो रही है जी। तो सही, चल पा रहा हूँ अच्छी तरह से, दिन भर चलता हूँ।
सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट करवाएं, एमआरआई करवाएं, उसी के बेस पर जो है कोई भी डॉक्टर आपको सही जो है सलाह देगा, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले ये जो शुरुआती चीज़ें हैं उन्हें क्लियर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अच्छा, अभी हम अगर वापस आए डॉक्टर विवेक, आपसे ही पूछना चाहेंगे कि ये जो फिजियोथेरेपी है, अगर हिप पेन किसी को है तो ये कितनी कारगर साबित हो सकती है और कितनी नुकसानदेह भी हो सकती है, किन सूरतों में? तो अगर हिप पेन, जैसा सर ने बताया और डॉक्टर जयमन ने बताया, हिप पेन का जो कॉज है, जो कारण है, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बेसिस पर ही फिजियोथेरेपी होना चाहिए। अगर वो हिप पेन एवियन है, जैसा वो कूल्हे की हड्डी में उसका जो खून का बहाव खराब हो गया है लेकिन अभी भी वो ठीक है, उसके शेप ठीक है, तो उसमें मांसपेशियों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हिप पेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, टीबी हो जाए, तो उस समय भी फिजियोथेरेपी करना ज़रूरी होता है, बिकॉज अगर नहीं करेंगे तो वो कूल्हे की हड्डी एक पोजिशन में ही, जो सबसे कन्वीनियंट पोजिशन होता है, उसमें जाम होने का डर रहता है, तो वो ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो फिजियोथेरेपी पार्ट है, ये कारण जाने बिना आप नहीं कर सकते। अगर हड्डी टूटी हुई है और आप एक्सरसाइज करेंगे तो और नुकसान पहुंचाएगा। अगर हड्डी खराब हो गई है, कूल्हे की हड्डी खराब हो गई है, जो जैसा डॉक्टर जयमन ने बताया, बॉल एंड सॉकेट खराब हो गया और उसमें आप ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करेंगे तो वो और ख़राब होने का डर रहेगा। तो इस कारण से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो डायग्नोसिस बने, क्या कारण है वो पता चले, उसके बेसिस पर ही फिजियोथेरेपी कराएं आप। राइट, बहुत अच्छी बात आपने बताई। डॉक्टर सी एस यादव, आपकी तरफ आना चाहूँगा मैं। हड्डी के लिए धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर कोई जानता है कि धूप लेना ज़रूरी है, धूप लेते हैं लोग अलग अलग वक्त में लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि धूप लेना ज़रूरी है, लेकिन किस वक्त धूप लेना ज़रूरी है ये ज़रूरी है जानना ज़रूरी है, और कितनी धूप लेनी है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन कैंसर का भी खतरा रहता है, ये ऐसा भी सुनने में आया है। आप किस तरह से रिकमेंड करेंगे, कौन सा वक्त में धूप ली जाए? ये सवाल बड़ा अच्छा है और एक तरीके का बड़े हमारे फिजिशियन के लिए सवाल है, लेकिन इतना ज़रूर है जी डॉक्टर साहब, इसमें आप अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग ले सकते हैं लेकिन कम हो जाती है। आइडियली तो जब पूरा सन अच्छी अपनी पावर पर है जब लेनी चाहिए और उसमें थोड़ी बहुत देर बैठने से नहीं होगा और बॉडी आपकी एक्सपोज होनी चाहिए। अगर मैं जैसे बैठा हुआ हूँ, सब कुछ मेरा कवर्ड है, केवल फेस अनकवर्ड है, हाथ तो मेरे को विटामिन डी नहीं मिलने वाला। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी का मेजर पार्ट अनकवर्ड होना चाहिए, लंबे टाइम तक लेना है। कितना लेना है? आधा घंटा, एक घंटा, कैसे रिकमेंड करना चाहिए? दो से लेकर तीन घंटे तक, है ना? दो से तीन घंटे, लेकिन आप जितने भी देर बैठो कुछ तो बनेगी, हो सकता है जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है उतना ना बने, ओके तो कुछ तो बनेगी आपकी। तो इसलिए हम लोग करते क्या है कि हम सप्लीमेंट दे देते हैं, हमें पता है कि कोई नहीं कर पाएगा इतनी देर धूप में बैठना, बॉडी को एक्सपोज करके। केवल फार्मर्स जो खेती कर रहा है अपने खेत में गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में, कुछ उसको छोड़ के कोई बना ही नहीं सकता। तो विटामिन डी सप्लीमेंट हम ओपीडी में हर पेशेंट को देते हैं, इवन उसमें ओरल जब सप्लीमेंट आप देते हो तो उसमें आपको लेबल कराने की भी जरूरत नहीं है, ओरल सप्लीमेंट वीकली देन मंथली दे ही देना चाहिए। जी, तो सप्लीमेंट की आपने बात काफी अच्छी बताई यहाँ पर, तो चलिए इसी के साथ एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी बात। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी मैम, मुझे आवाज आ रही है। जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार से बोल रहे हैं जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल लगभग से दो महीने पहले मेरा बेटी भी है 3 साल की। अच्छा, और कमर से नीचे और घुटना से ऊपर का हड्डी जो बीच का हड्डी टूट गया था मैम, तो सामान गिरने। अच्छा जी, यानी प्लास्टर चढ़ा हुआ है, 3 साल की बेटी है आपकी जी। कमर में चोट है? कमर में नहीं मैम, थाई में, जान। अच्छा, घुटने से ऊपर थाई में। जी, तो क्या हाँ बताइए। आने वाले भविष्य में कुछ परेशानी हो गया, अभी तो डॉक्टर साहब को दिखाए जांच मेडिकल में, उसने ब्लड चेक किया होगा। जी, तो उन्होंने आपको क्या बताया? ये बोला कि आपका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा जी, तो चिंता करने की बात नहीं है। अच्छा, तो आप किस वजह से परेशान है? परेशान है कि भविष्य में परेशानी मेरे साथ नहीं होगी बेटी।
हमारे से एश्योरेंस आते हैं। जी जी जी, तो चलिए फिर हम डॉक्टर आशीष जी से ही पूछ लेते हैं इसका जवाब। काफी परेशान ये साउंड कर रहे हैं। कॉलर मेरी बात सुन सकते हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। आप चिंता ना करें, छोटे बच्चों की हड्डियां बहुत अच्छे तरीके से जुड़ जाती हैं, जिसमें कि हड्डी टेढ़ी भी नहीं रहती है। बस बच्चे को दोपहर की धूप में बिठाएं, दोपहर की धूप मतलब जब आपकी परछाई आपकी लंबाई से कम हो, उस धूप में बिठाएं, हरी सब्जी खिलाएं, अच्छा प्रोटीन खिलाएं, बच्चे की हड्डी अपने आप जुड़ जाती है, प्लास्टर हटेगा, खेलने दें उसे, वो खेलेंगी, हड्डी अपने आप रिमॉडल होगी, लंबाई भी बराबर हो जाएगी और पैर भी सीधा हो जाएगा। चिंता ना करें, आपकी बातों से मुझे लगता नहीं जैसा आपने बताया कि कोई चिंता की बात है। जी, वैसे ये होता भी है डॉक्टर साहब कि अपने बच्चों को लेकर हर वालिदैन बहुत ज्यादा परेशान तो हो ही जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक हो जाते जी हैं। जी जी, लेकिन डॉक्टर आशीष ने आपको बताया है कि किसी भी तरीके की परेशानी की कोई बात नहीं है, आपने डॉक्टर को दिखाया है और आपकी बेटी जो है जल्द ही सेहतमंद हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर सी एस यादव, मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूंगी कि अब हिप पेन की तो हम बात कर ही रहे हैं, मान लीजिए किसी को चोट लगी है या फिर किसी वजह से हड्डी टूट गई है और हिप रिप्लेसमेंट की नौबत आ गई है, तो कौन सी वो एज है जिसमें ये रिप्लेसमेंट जरूरी है या करवा लेना चाहिए, और कौन सी एज नहीं है जिसमें कि खतरे बढ़ सकते हैं तो उसे अवॉइड करना चाहिए और दवाओं से ही चीजें सही हो सकती हैं। देखो, पहले तो मैं एक बड़ा एल्डरली एज ग्रुप बता दूं, है ना, जैसे 70 और 70 प्लस, है ना, अगर उसमें हिप जॉइंट में फ्रैक्चर, जिसको फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर बोलते हैं, अगर वो टूटा है, वो जुड़ता नहीं है, आप एक ऑपरेशन जोड़ने के लिए करते हैं, मेजोरिटी में जुड़ता नहीं है, उन केसेस में रिप्लेसमेंट करा लेना चाहिए। अच्छा। और होता क्या है, मैं हमेशा ये 20 साल से 25 साल से बोल रहा हूँ, अगर 60 साल के ऊपर अगर आप घुटना बदलो या कूला बदलो तो ये जिंदगी भर चलता है, अगर आप सर्जरी ठीक से करो। अच्छा। अगर आप सर्जरी ठीक से करो ये लाइफ लॉन्ग चलता है, तो बजाय आप पहले उसको रॉड डलवाएं फिर वो जुड़ेगी नहीं। और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी होती है। तो ये तो हो गई एक एल्डरली एज ग्रुप की बात। कई बार क्या होता है, कूले की हड्डी या कूले के आसपास वाली जवानों में भी टूट जाती है, उसमें बिल्कुल कूला नहीं बदलना चाहिए। पहले कोशिश करनी चाहिए कि नेल प्लेट से हड्डी जुड़ जाए, है ना, नेचुरल जॉइंट रहे, है ना। कई बार क्या होता है वो जुड़ती नहीं है, वॉल खराब हो जाती है, सुकुड़ जाती है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा टोकना चाहूंगी क्योंकि आज हमसे काफी सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, अपनी परेशानी हमसे शेयर कर रहे हैं, तो सुन लेते हैं एक और कॉलर का सवाल। हेलो। हाँ जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं शोनापुर से बात कर रही हूँ। जी जी जी, अपना नाम बताएं और अपनी परेशानी भी बताएं। मुमताज नाम है मेरा और मेरी परेशानी है, जी जी, कमर में भी दर्द होता है और जोड़ों में कट कट की आवाज आती है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी? 42 साल। तो आपके घुटनों में कटकट की आवाज आती है और कमर में भी आपका दर्द है? जी जी जी, तो डॉक्टर विवेक शंकर आपने सुन लिया है इनका सवाल। तो आपकी 42 साल आपकी उम्र है? हाँ, मैंने सुन लिया आपकी 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 तकलीफ सुन ली है। 42 साल आपकी उम्र है, सीधे पैर में भी दर्द रहता है आपको? अच्छा, सीधे पैर में भी दर्द होता है? नहीं, कमर में सीवियर पेन बता रहे। अच्छा, एक पैर में ज्यादा दर्द होता है आपको? कमर में। तो, में। हाँ, तो आप अच्छा, तो जब आप सोने जाते हैं उस समय अगर आपको दर्द रहता है, अगर आप रेस्ट पेन बता सकते हैं, सोने जाते हैं उसमें दर्द रहता है, तो ये पेन हो सकता है कि कूल्हे से आ रही हो। और आपने ये भी बताया है कि आपके घुटने से भी आवाज आती है, तो आपकी हड्डियां पहले से ही थोड़ी कमजोर है, मांसपेशियां भी कमजोर है, उसके कारण भी कटपट की जो आवाज आती है, घुटना वो सीधा करें या चलें या मोड़े तो उसमें घुटने में ऐसा लगेगा घुटना कुछ रगड़ खा रहा है एक दूसरे पर, वो आवाज आ रही है, तो मांसपेशियों की भी कमजोरी हो सकती है। इसके अलावा अगर पैरों में एक तरफ पूरा दर्द जा रहा है तो वो स्पाइन से आ सकता है आपका ये परेशानी। तो आपको इस कंडीशन में कुछ इन्वेस्टिगेशन जाँच कराना चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन में कमर का एक्सरे, कूल्हे का एक्सरे और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि पता चले कि आपकी हड्डियों का कंडीशन कैसा है, उसे उसमें कैल्शियम, विटामिन डी की जांच और डेक्सा स्कैन करा के देखें कि आपका बोन की क्वालिटी कैसी है, तो फिर उसके हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। जी, यानी कि आप
हाँ, तो जैसा सर ने बताया, डॉक्टर सी एस यादव सर ने बताया कि कोविड के बाद में कई लोगों को कूल्हे की हड्डी में खून का बहाव कम होने के कारण वहाँ पे हड्डी खराब होने का डर रहता है। तो आप इसके लिए अपने एक्सरे और कुछ जांचें जो बताई हैं वो ज़रूर कराएं, ताकि इसको इनिशियल फेज में ही पकड़ा जा सके और इसका उसका उपचार जो है वो सही तरीके से हो पाए। देखिए, कई बार ऐसा होता भी है डॉक्टर साहब कि हम अपने जो टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो सही से प्रॉपर तरीके से नहीं करवाते हैं और उस परेशानी को लेकर बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अपने सही टेस्ट करवाएं और सही डॉक्टर की सलाह लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। डॉक्टर आशीष, आपकी तरफ आना चाहेंगे अब हम। जी, अभी यहाँ पर बात जैसे चल रही है रिप्लेसमेंट की। जी, तो रिप्लेसमेंट तो ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने बता दिया है, डॉक्टर सी एस यादव जी ने बता दिया है, लेकिन रिप्लेसमेंट के बाद क्या, उसमें किन किन एक्टिविटी का ध्यान रखना है, क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ये बहुत जरूरी बात है। ठीक है, तो आप प्रोग्राम देखने वालों को जरा सा बताएं कि इसमें देखिए ऐसा है, एहतियात की जरूरत है। इसका हम एक उदाहरण देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल पे स्पीड होती है 140 तक की स्पीडोमीटर पे, पर हम 140 पे नहीं चलाते जी, हम 80 पे चलाते हैं जी जी, जिससे हम ना भिड़े जी, हम बच के रहें जी। डॉक्टर, वही जोड़ के साथ है। ओके, जो मॉडर्न जोड़ आए हैं उसमें आप जमीन पे आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। ओके, लेकिन सलाह नहीं दी जाती है, सलाह नहीं दी जाती है। कहा यह जाता है कि आप एक स्टूल की ऊंचाई से नीचे ना बैठें। ओके, उससे उस जोड़ की उम्र बढ़ जाएगी। ओके ओके, आर्टिफिशियल जोड़ है जी, जी, जब नेचर जो ऊपर वाले ने दिया जोड़ है वही घिसने लग जाता है, तो आर्टिफिशियल जोड़ तो जरूरी घिसेगा जी। डॉक्टर साहब, तो हमको उसकी जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जी, जैसे आलती पालती मार के बैठना या उकड़ू बैठना जी, उसको अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि उस जोड़ की उम्र लंबी रहे। ओके ओके, उस आर्टिफिशियल जोड़ में घिसावट कम हो। ओके ओके ओके, ये है सिंपल। और क्या क्या इसमें ध्यान रखने की जरूरत है? बस आलती पालती मार के ना बैठे, मजबूरी हो तो बैठ भी जाए, कहीं ऐसी जगह जाना पड़े आपको बैठना पड़े तो। मोमेंट में किस जीना चढ़ना है, जीना चढ़े आराम से चढ़े, जीना चढ़ सकते हैं, जॉगिंग करें, जॉगिंग कर सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात बता रहे हैं आप, नीचे नहीं बैठना है, कोई समस्या, जॉगिंग कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली नीचे बैठने में क्या होता है, जैसे ये जोड़ होता है, जब नीचे बैठते हैं तो ये इम्पिंज करता है, ये जोड़ो दोनों पार्ट जो है आपस में टकराते हैं। ओके, जहाँ टकराते हैं वहां पे निशान पड़ जाता है। ओके ओके ओके, पर दौड़ने में इतनी वो नहीं है, एडवाइजेबल है दौड़ना ज्यादा है। एक जिसको रिप्लेसमेंट, मैं पेशेंट्स को एडवाइस नहीं करता दौड़ना, लेकिन पेशेंट दौड़ते जाए तो क्या वॉक करें? डॉक्टर सी एस यादव कैसे बताना चाहेंगे? अच्छा, मैं डॉक्टर आपसे भी पूछ रही थी अभी ऑफलाइन, मेकअप में बात भी कर रहे थे कि मेरी भी एक जान पहचान के जो है बुजुर्ग हैं, वो क्या उनके साथ भी हिप रिप्लेसमेंट हो चुका है, लेकिन वो एहतियात बिल्कुल नहीं बरतते हैं उठने में, बैठने में, चलने में, सोने में। तो ऐसे बुजुर्गों के लिए खास तौर से आप क्या सलाह देंगे? आशीष ने क्लियर बता दिया, नीचे ना बैठें। ओके, है ना, सबसे बड़ी एहतियात है ये। हाँ, सबसे बड़ी एहतियात है। अच्छा। और कोई मजबूरी आ जाए तो बैठ जाए, उससे लाइफ कम हो जाती है। ओके। बैठ तो सकते हो, आपके थाई पैर पतले हैं जो, और टांगे पतली है, आप बहुत वेट नहीं, आप बैठ सकते हो। ओके, लेकिन उसकी हम सोच रहे हैं, हमने जैसे बताया कि 50 साल पे अगर ठीक से जॉइंट बदल दो जिंदगी भर चलता है, तो शायद हमारी बात ये गलत हो जाए। Okay, okay. और दूसरी बात, इसी चीज, इसी बात को ठीक रखने के लिए आप ब्रिस्क वॉक करो, जितनी आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक पीरियड, क्योंकि ब्रिस्क वॉक करने और जॉगिंग में कई गुना ज्यादा स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं। जी जी, कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करो, जैसे नीचे बैठना है अवॉइड करना है। ओके, रनिंग अवॉइड करना है, और ब्रिस्क वॉक पूरा अलाउड है। आप फिर कार चलाओ, साइकिल चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ, ट्रक चलाओ, बस चलाओ, स्विमिंग, ये सब अलाउड होता है, गोल्फ खेलो, क्योंकि ये हाई हील स्ट्राइक एक्टिविटी नहीं है। ओके, है ना, जो आपका पैर झटके से जमीन पे लगता हो, है ना, वो अवॉइड कर तो सकते हो, अवॉइड करो फॉर द लॉन्जिविटी, तो अच्छी बात है। बहुत सारी चीजों का मतलब अवॉइड करना जरूरी है, मतलब जिंदगी नियर नॉर्मल हो जाती है, आप दुनिया के सारे काम कर सकते हो, सारे काम कर सकते हैं, बस छोटी मोटी जो चीजें उन्हें अवॉइड, नीचे नहीं बैठना है, सबसे ज्यादा फोकस इस बात पे करना है। तो चलिए इसी के साथ एक फोन कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। हेलो 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 जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज मिल रही है जी, थोड़ा जोर से बात कीजिए। स्पाइन में नीचे बहुत दर्द होती है, नीचे झुकते हुए। अच्छा अच्छा, स्पाइन में दर्द है जी, जी। आपकी उम्र कितनी है? हिप्स के पास जी, 68। 68, तो आपको ये समझ नहीं आ रहा कि हिप में पेन है या स्पाइन में?
कहाँ दर्द है आपको? स्पाइन होती तो स्पाइन में है। बिल्कुल नीचे हिप के सेंटर में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। डॉक्टर विवेक आपसे चले, डॉक्टर यादव पहले आप बताएं, फिर आपसे भी एक विवेक बताएं। चलिए आप बताइए विवेक। तो स्पाइन का जो आपने प्रॉब्लम बताया है, ये पहले भी बता चुका हूँ कि स्पाइन का जो दर्द होता है वो उसकी जो नर्व होती है वो नीचे कूल्हे के नीचे पैरों में थाई को पैरों में को सप्लाई करती है, तो उसका जो रेडिएटिंग पेन होता है वो पैरों में ही जाता है और ऐसा लगता है कि हिप में या थाई में पेन हो रहा है, तो जांघों में पेन हो रहा है। तो आप अगर स्पाइन में आपकी उम्र भी 68 है तो उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस होने के कारण स्पाइन में पेन हो सकता है और उसके कारण उसमें जो पेन का जो आपको पता चलेगा वो कमर से नीचे पूरे पैरों में पेन जा सकता है। उसके लिए आप जैसा पहले बताया इन्वेस्टिगेट करें, एक्सरे करें, एमआरआई करें, देखें कि कहाँ दर्द हो रहा है और किस प्रकार का परेशानी है। कई बार लिस्थिसिस जो आता है, स्पाइन की हड्डी एक दूसरे पर खिसक जाती है और वो अनस्टेबल होता है, तो उस कंडीशन में उसका सर्जरी होता है। पर वो सर्जरी सिर्फ 5% से 3-5% लोगों में ज़रूरत होती है, बाकी सभी में दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से वर्जिश से उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये जानना कि वो सर्जरी के लायक है या बिना सर्जरी के ठीक होगा, इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगा और उसके बाद आप उसका इलाज कराएं। यानी कि इशू सीरियस है या नॉन सीरियस है, ये आपको जो टेस्ट है इन्वेस्टिगेशन से वो करवाने ज़रूरी है, उसी के बाद पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए डॉक्टर सी एस यादव। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं, आपने तीनों ही डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया है और इतने फोन्स आए हैं, इसका मतलब लोग देख रहे हैं प्रोग्राम और उनका इंटरेस्ट बन रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब यहाँ हमारा प्रोग्राम लास्ट में पहुँच गया है। लास्ट में हमारे प्रोग्राम का तरीका है, हम मैसेज लेते हैं एक्सपर्ट से। तो मैं यहाँ पर आपसे एक तो ये पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करें 15-20 साल पुराने वक्त की, जब रिप्लेसमेंट होता था, हिप की बात करें, जॉइंट की बात करें, उसमें और आज की टेक्नोलॉजीज में कितना फर्क आ चुका है, और यहीं कहीं आप अपना मैसेज भी दीजिएगा। हाँ, देखिए जो हमारी जो टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँची है पिछले दो डिकेट्स के धीमे तीन डिकेट से इवॉल्व होके यहाँ तक पहुँची है। जी जी, है ना, उसके बाद कुछ चीजें आती जाती रही हैं। राइट राइट, है ना, जैसे कि नेविगेशन आता जाता रहा, ऐसी रोबोट भी आता जाता रहेगा। जी जी, कई बार ये मैसेज दिया जाता है कि रोबोट से सर्जरी करोगे तो अच्छी होगी, नहीं तो ठीक नहीं होगी। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग मैसेज है, इसमें एम्फेसिस देके बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, आई एम ऑन रिकॉर्ड। राइट, ये सर्जरी, क्योंकि इतने ज्यादा स्टेप होते हैं, वेदर इट इज हिप सर्जरी और नी सर्जरी, ये हाथों का काम है। ओके, ये हवाई जहाज चलाना नहीं है, शिप चलाना नहीं है जो नेविगेशन से ही चलेगा हवाई जहाज, ये इसमें इतने दर्जन स्टेप्स होते हैं, उसमें कुछ स्टेप रोबोट से होते हैं अगर करने वालों के लिए, अगर सर्जन अच्छा है तो वो रोबोट से भी अच्छे वो स्टेप्स करता है। रोबोट में बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं और रोबोट के फेलियर मेरे पास 6 मंथ में 6 फेलियर मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, डन इन दिल्ली। ओके, तो पुरानी और सर्जरी बहुत अच्छी है, उसमें कोई कमी नहीं है, और पुरानी सर्जरी 3 डिकेड से इवॉल्व होके आई है। ओके ओके, और जॉइंट रिप्लेसमेंट इज हाईली सक्सेसफुल सर्जरी। ओके, रोबोट के बेस पे नहीं कह सकते कि इससे उसकी लाइफ बढ़ेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी जो हमारा डाटा बोल रहा है जी, 90% से ज्यादा जॉइंट 20 साल से भी ज्यादा चल रहे हैं। जी जी, कितना ज्यादा अचीव कर लिया है हमने। जी जी, मैं इसलिए बोलता हूँ 50 साल पे अगर आप सर्जन अच्छा काम कर दे तो ये जिंदगी भर चलता है। जी जी, रोबोट उसमें फर्दर ऐड नहीं कर रहा है, रोबोट उसमें कुछ अपनी इनहेरेंट, एक तो पैसे की प्रॉब्लम, पैसे की भी प्रॉब्लम, पुरानी सर्जरी को ही मानेंगे कि वो बहुत बेहतर सर्जरी थी और है आज के टाइम में, अगर किसी को रोबोट को करानी चाहिए, नई चीज ऐड नहीं कर रहा है यहाँ पर हमारे प्रोग्राम। सर्जन ठीक है, एक्सपीरियंस स्किलफुल सर्जन, ओके ओके, आपकी तरह जी जी और भी होंगे। जी जी, है ना, एक्सपीरियंस स्किलफुल सर्जन इसकी Honestly, prerequisite है, right, right. Not the message robot. क्या देना चाहेंगे हमारे प्रोग्राम देखने वालों को, खासतौर से उनको जो नई जनरेशन है वो गलत तरीके से जिम करते हैं, गलत चीजें खाते हैं, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया, आपने अगर आपको देखो डॉक्टरों से बच के रखना है, जी जी जी, तो दुनिया की हर बीमारी का इलाज फिटनेस लेवल है। गुड, अगर आप, मैं हमेशा बोलता हूँ, 1 घंटे अपने शरीर को कष्ट दोगे, 23 घंटे आप अच्छी सुखी रहोगे, अच्छा अपनी प्रोडक्टिव लाइफ होगी और हर टाइप के डॉक्टरों से बच के रहोगे। तो उसमें फिटनेस में क्या है आपका, एक तो डाइट ऐसी ना लाए जो वजन बढ़ाए, दूसरा नियम से एक्सरसाइज, डाइट और एक्सरसाइज का
ध्यान रखो, फिर आप मैं आप टेढ़ा भी बैठ जाऊं है ना, जी, मुझे जी, फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी मसल्स उसको टेढ़ेपन को इतनी बर्दाश्त करेगी उसके अंदर उतनी। अगर आपका आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, फिर आपकी जैसे डॉक्टर विवेक ने बताया पोस्चर भी गड़बड़ है, तो ये डबल फॉल्ट, नुकसान होगा ही होगा। अगर एक फॉल्ट हुआ कि भाई आप टेढ़े बैठ गए लेकिन फिट है, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर उस आदमी को कुछ भी नहीं होता। राइट राइट, यहाँ पर आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर विवेक शंकर, किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर सीएस से बिल्कुल एग्री करता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। मैं यही बताना चाहता हूँ कि एक स्टडी हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि लास्ट 100 सालों में जी जी कोई एक मेडिकल साइंस का इन्वेंशन जी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन को सबसे ज्यादा पॉजिटिव वे में इफेक्ट किया है जी, उसमें हार्ट सर्जरी होता है, हार्ट रिप्लेसमेंट होता है, लंग रिप्लेसमेंट, किडनी रिप्लेसमेंट, सब आया, सब कुछ पढ़ा, उसको स्टडी किया गया और पाया गया कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जी जी एक ऐसा सर्जरी है जो लास्ट 100 साल में जो इन्वेंट हुआ और लोगों पर किया गया जी, और उसका जो रिजल्ट ऑफ लाइफ पर इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा है। गुड गुड। तो आप हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी से डरे नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो वो ये क्वेश्चन करते हैं कि खराब हो जाएगा क्या या चलेगा या नहीं चलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी और 100 साल में वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेंशन फॉर द बेस्ट एंड गुड क्वालिटी, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स बोलते हैं उस पे माना गया है। तो आप बिल्कुल नहीं डरे, घबराना नहीं है और उसको एक्सेप्ट करना है, जरूर कराएं। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर आशीष यहाँ पर? मैं बिल्कुल यादव सर और विवेक से अपनी बात, इनकी वही कॉमन बात है हमारी, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बहुत अच्छी सर्जरी है, अच्छे तरीके से इवॉल्व हुई है जी जी। अगर ढंग से करी जाए और ढंग से रखा जाए जी जी तो अच्छे रिजल्ट्स हैं। राइट राइट। नाज़रीन यहाँ पर हमारे तीनों ही एक्सपर्ट्स ने बहुत ही ख़ास पैगाम दिए हैं, बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया है कि किस तरह से हिप रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है और वो कितना सक्सेसफुल है, इसे हमें समझना चाहिए। अब बात करेंगे पैगाम की, मशवरों की, जो हमारे मशवरे डॉक्टर ने दिए हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे यहाँ पर। सी एस यादव डॉक्टर ने बताया है कि आपको अगर हर तरह के डॉक्टर से बचना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है जो हर डॉक्टर से आपको बचा कर रखेगा, वो है आपका फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप अपने आप को फिजिकल फिट रखेंगे बीमारियों से दूर रहेंगे, डॉक्टर से दूर रहेंगे। और ख़ास बात यह है कि जो चीज़ें हैं आपकी उनका अगर आप गलत तरीके से बैठते भी हैं, कभी हो जाता है, सबसे ही हो जाता है, तो आपका मसल्स इतना स्ट्रांग हो जाएगा, उस पर असर नहीं पड़ेगा और आपकी सेहत बनी रहेगी। डॉक्टर विवेक शंकर ने यहाँ पर जो रिप्लेसमेंट की बात की है, जो जॉइंट्स रिप्लेसमेंट की बात की है, चाहे वो कूल्हे का हो या घुटने का हो, उसको बताया कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उसमें घबराना नहीं है। और एक पिछले एक तवील अरसे से जो चीज़ें होती आ रही हैं उसमें ये वाली जो सर्जरी सबसे ज़्यादा कामयाब है। डॉक्टर आशीष ने इसको बहुत ख़ास बताया और दोनों ही डॉक्टर्स की बात को से बहुत ज़्यादा एग्री किया। उम्मीद है नाज़रीन आज की पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी, क्यों समरीन क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छी आज की ये पेशकश रही और बहुत सारे सवालात हमारे सामने आए हैं उभर के, और इसी के साथ आप सभी का बहुत बेहद शुक्रिया तीनों एक्सपर्ट्स का प्रोग्राम में शिरकत के लिए, इतनी अहम जानकारी फराहम करने के लिए। और नाज़रीन हमेशा चलते चलते हम आपसे ये कहते हैं कि अगर आपके भी जहन में कोई सवाल है, कोई खदशात है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellodoctor.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये प्रोग्राम YouTube के चैनल पे, यानी कि जो DD उर्दू चैनल का YouTube चैनल है, उस पर भी देख सकते हैं। तो चलते चलते आपको छोड़े जा रहे हैं टिप्स ऑफ द वीक के साथ, रखिए अपना ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। आदाब आदाब आदाब, खुदा हाफिज। कूल्हे की हड्डी या जोड़ में दर्द किसी को भी हो सकता है, दर्द होने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा आराम करें। इस बात पर गौर करें कि दर्द की असल वजह क्या है। कूल्हे के दर्द से बचने के लिए एक्टिव तर्ज जिंदगी इख्तियार करें। इससे बचाव के लिए हल्की वर्जिश को मामूल बनाएं। किसी भी बड़ी चोट से बचने की पूरी कोशिश करें। बुजुर्ग हजरात अपना खास ख्याल रखें। कूल्हे के दर्द से आराम के लिए फिजियोथेरेपी भी मददगार साबित होती है।